बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सेकंड सेमेस्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के जो लेक्चर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सोर्सेज, प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन को और बेंजीन के डेरिवेटिव्स को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रेपरेशन कैसे होगी, तो ये जो आज का लेक्चर है ये जहन में रखें कि खैरात इब्ने रसा, अब्दुर्रहमान, हक नवाज भट्टी, कारवान बुक हाउस जो है, आप क्योंकि बार बार इस बारे में कह रहे थे तो इसी से ही मैंने ये नोट किया है। स्टार्ट करते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्लियर सी बात है, इतना नॉलेज आपके पास भी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो मेन सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, जो कोल है इसकी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे कोक, कोल तार और कोल गैस हासिल होते हैं। ये आप थोड़ा सा रिमाइंड करें अपने एफएससी नॉलेज को, तो उसमें से जो कोल तार है इसमें बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रॉक ऑयल जिसे आप कह देते हैं, पेट्रोलियम में भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक नेचर के होंगे। तो ये आप सारा इसे स्टडी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए हम वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स को या बेंजीन को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ये कोल तार की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताई गई है, कोल तार इज़ ए थिक ब्लैक लिक्विड विद ए करैक्टरिस्टिक ऑर्डर, कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नेचुरली अक्रिंग न्यूट्रल बेसिक एसिटिक कंपाउंड्स। द न्यूट्रल कंपोनेंट्स आर चीफली 1 to 10% हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द एरोमेटिक सीरीज लाइक बेंजीन, टॉलुइन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड पिरिडीन, क्विनोलिन एंड देयर होमोलॉग्स। द एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ कोल तार आर फिनोल्स। सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इज इफेक्टेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड एज अ रिजल्ट फॉलोइंग 4 फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। लाइट एल, मिडिल ऑयल या नेफ्थलीन ऑयल, हैवी ऑयल या इसमें जो है, अब इनका देखिए बॉइलिंग पॉइंट रेंज दिया हुआ है, आप ये नोट कर सकते हैं और कौन से फ्रैक्शंस हैं। अच्छे ग्रीन ऑयल भी आ गया, एंथ्रासीन ऑयल भी जिसे आप नाम दे रहे हैं, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, इस पर इसे हम हासिल करते हैं। The light oil fraction is treated with dilute sulfuric acid to remove basic impurities like pyridine and with sodium hydroxide to remove acidic impurities like phenols. The neutral oil is fractionally redistilled and the following fractions are collected: 90% benzol, jisme 75% benzene hai, aur 50% benzol,
जिसमें 46% बेंजीन, और सॉल्वेंट नेफ्था जिस अप टू 170 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज हो जाएगा। द टू फ्रैक्शन 90% बेंजोल एंड 50% बेंजोल आर सेपरेटेड इनटू बेंजीन एंड टॉलवीन बाय सिस्टमैटिक रीफ्रैक्शनेशन। पेट्रोलियम अनदर सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इट कंटेन्स इम्पॉर्टेंट जो उसके फ्रैक्शंस हैं एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, टॉलवीन, अल्काइल बेंजीन, क्यूमीन्स, नेफ्थलीन्स। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। Since aromatic compounds are widely used in different industries and are as fuels, they are also synthesized by chemical treatment of aliphatic compounds. N-hexane, N-heptane, in a cyclization or aromatization process के जरिए हम convert भी करते हैं, तो ये भी एक natural source है। जैसे आप देख रही है तो सारा देख रहे हैं FSC लेवल का है, चार दो छः आ गए ना, एन हेक्सेन। पहले इसकी क्रोमियम ऑक्साइड में साइक्लाइजेशन होगी, साइक्लिक रिंग बन गया, उसके बाद एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन से रिप्लेस हो गया, यानी यहाँ आप लिख देंगे प्लस 3H2, इसमें प्लस H2 आ गया, तो ये बेंजीन बन गई। अगर ये 7 कार्बन है तो साइक्लाइजेशन के बाद टॉलवीन बन गई। 8 कार्बन एटम है तो यहाँ इथाइल बेंजीन बन जाएगी। तो इसमें एक अहम बात आप ये नोट करते हैं कि जितने भी यहाँ लॉन्ग चेन कार्बन होगा, रिंग जो बनेगा वो 6 मेंबर यानी बेंजीन बनेगा, बाकी जितने कार्बन साइड चेन के तौर पर उसके साथ अटैच होते जाएंगे। उसकी वजह यही बेंजीन की हाई स्टेबिलिटी है। बेंजीन और इसके जो होमोलॉग्स हैं उसकी प्रेपरेशन की मेथड, ये भी देखें वही FSC वाला है सारा। फ्रॉम बेंजीन सोडियम, बेंजीन प्रेपरेशन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट C6H5 CWN, इसे सोडा लाइम के साथ आप ट्रीट करेंगे। याद रखें सोडा लाइम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आप लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये मिलकर बना देते हैं सोडा लाइम। यहाँ से ये C6H5 और यहाँ से एक H, ये बेंजीन बन गया, साथ उसके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अपेयर होगा। फिनोल से के फिनोल जिंक डस्ट ऐड करें, ये जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ से जिंक के साथ मिलकर अलहदा हो गया, H यहाँ अटैच होकर C6H6। आप इसी को रिंग की सूरत में भी लिख सकते हैं, यानी ये जैसे बेंजीन रिंग बनाकर उसके साथ CWNA, बेंजीन रिंग बनाकर OH लगा दें, ये भी बेंजीन सल्फानिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करा दें। HOH इसमें से एक H C6H5 के साथ C6H6 बन गया, OH जो है ये SO3H के साथ मिलकर ये बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से बन गया साथ ही बेंजीन के साथ। फ्रॉम एनिलीन, तो अच्छा देखें एनिलीन में भी डाई एजोटाइज्ड यूजिंग HCl एंड सोडियम नाइट्राइट एट 0 सेंटीग्रेड एंड देन रिड्यूस्ड विद स्टेनस क्लोराइड टू गिव बेंजीन। C6H5NH2 सोडियम नाइट्राइट और HCl 0 डिग्री पर, तो इसमें से ये आ गया C6H5N2Cl और साथ ही इसके ये SnCl2 की प्रेजेंस में इट विल गिव बेंजीन, नाइट्रोजन एंड HCl। फ्रॉम एसिटिलीन, व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू ए रेड हॉट ट्यूब इट इज कन्वर्टेड टू बेंजीन। ये भी देखें पॉलीमराइजेशन अगर आपको याद है FSC में, तो यहाँ कॉपर ट्यूब
300 डिग्री से सब जो गुजारते हैं, या निकल कार्बोनाइल के साथ, तो ये तीन मालिक्यूल मिलकर ये बेंजीन बना देते हैं। फ्रॉम प्रोपेन, कि प्रोपेन जो है इसकी पैरालिसिस करा दी जाती है, तो उससे फिर हम बेंजीन देखें कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये प्रोपीन है, जब इसे हाई टेम्परेचर हम देंगे पैरालिसिस होगी, यहाँ से इसका बॉन्ड ये रैप्चर हो जाएगा, ये CH3 के साथ ये H या CH4 बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया। इथीन जो है इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलकर ये आ जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन, 7-1 मोल हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई। अच्छा, इसमें मज़ीद एथिलीन जो है ये देखें एक ग्रुप और ऐड हो गया, तो फिर साइक्लाइजेशन के बाद बेंजीन रिंग इससे अपेयर होगा। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हेक्सेन का अभी हमने नोट किया C6H14, ये लॉन्ग चेन भी आप इसका बना सकते हैं, और जो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कैटलिस्ट CrO3 को हम यूज़ करेंगे। तो ये 7 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेक्चर बस शॉर्ट सा था। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।